हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर की अगुवाई में मंडी जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मंडी स्थित मिनी सचिवालय के बाहर सड़क पर धरना प्रदर्शन किया और यूपी में घटित हुए कथित दुष्कर्म मामले को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दुष्कर्म पीड़ित लड़की को न्याय नहीं मिल पा रहा है और यूपी सरकार ने तानाशाही रवैया अपना के रखा हुआ है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। युवा कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाने की मांग की है। आज ये जो गांव में जो आपने देखा होगा पिछले काफी समय पहले जो एक बलात्कार हुआ था उसकी जो घटना घटी थी जो जिसका पूरे देश को पता है, एक हमारी छोटी बहन जो 18 वर्ष की है, लेकिन जिस तरह से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, पूरी तानाशाही योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने चलाकर रखी है, तो कानून व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल हो चुका है। पहले जो नाव पीड़ित जो लड़की है उसके घर वालों के ऊपर जानलेवा हमला होता है और उस समय वो बच जाते हैं, फिर उसके बाद जो गवाह है उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है और अभी जब वो अपने वकील, अपनी मामी और अपनी चाची के साथ वो जा रहे थे कहीं पर इसी केस के सिलसिले में, तो उनके ऊपर एक अज्ञात ट्रक जिसका कोई नंबर नहीं होता और ब्लैक प्लेट लगाकर एक सुनियोजित तरीके से उस गुहा उन गुहाओं को मारा गया और उस पीड़ित को जान से ख़त्म करने की कोशिश की गई और वो पीड़ित बहन आज भी अपना जो जीवन है खतरे के साए में जी रही है। इसके खिलाफ आज हम यहाँ सबको पर उतरे हैं। ये देखिए कैसे विडम्बना हो रही है। आज वो बेटी नहीं हारी है, इस देश का संविधान हारा है जिस संविधान की वजह से हमें वो न्यायिक प्रणाली में जो व्यवस्था दी गई है न्याय देने की, और उसको तानाशाही पूर्व कुचलने की जो सुनियोजित कोशिश सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही है। हम चाहते हैं कि पूरे देश में इस तरह का माहौल ना बने और यूथ कांग्रेस आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर खड़ी है। इसी कड़ी को लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे और हमारी मांग है इस देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से और न्यायिक व्यवस्था से इस तरह का जो दरिंदा जो आज जेल में सुरक्षित चैन की नींद सोया है और बाहर इस तरह का कृत्य कर रहा है उसको तत्काल प्रभाव से जो फांसी दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।